कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हैं? चाइना भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, तुर्की भी नहीं है, इटली है इनमें से। इटली डी इज द राइट ऑप्शन। अब G7 के बारे में आपको पहले भी बताया था, दोबारा भी सुन लें। G7 इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन का एक ग्रुप है जिसमें 7 कंट्रीज हैं। पहले 8 थी, G8 था, फिर रशिया को निकाल दिया गया, क्रीमिया पे उसने अटैक किया था, यूक्रेन पे। तो अब जो इसमें कंट्रीज हैं वो 7 हैं, 7 कंट्रीज हैं। G7 के नाम से है, 1975 में बनाई गई थी और इसका इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। और इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इटली आपके सामने है, बाकी 6 लिख लें क्योंकि 7 की 7 आपको आनी चाहिए। ये आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए कराई थी क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोस्टली पेपर्स में बार बार आती हैं, इसलिए कराई थी। अब लिखते जाएं, USA है G7 में, जापान है, जापान के बाद जर्मनी है, UK है, फ्रांस है और कनाडा है। इसके साथ इटली तो है, तो टोटल कितनी? 7 बनती हैं। USA, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली, ये टोटल 7 कंट्रीज हैं G7 में। 1975 में बनाई गई, वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस हैं इसमें। नेक्स्ट है, विच प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल मशीन कोड? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके या चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। सी ऑप्शन, कंपाइलर हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इसे कंपाइलर कहते हैं। अब ए ऑप्शन है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर लिख लें, असेंबलर जो होता है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर का पूछता है या कंपाइलर का पूछता है? कंपाइलर जो होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। पाकिस्तान वॉन द ICC T20 वर्ल्ड कप 2009, हु वॉज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान? यूनिस खान था, बी ऑप्शन है। पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 में। 20 ओवर्स का जो मैच होता है उसे T20 कहते हैं, और जो 50 ओवर्स का होता है उसे ODI कहते हैं, और जो 5 दिन का होता है उसे टेस्ट कहते हैं। तो पाकिस्तान ने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त कैप्टन यूनिस खान था। विच हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एशियन टू ट्रांसलेट द होली कुरान इन टू इंग्लिश? इनमें से कौन सा एशियन है जिसने कुरान पाक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? अब्दुल्ला यूसुफ अली ने ट्रांसलेट किया था 1934 में। ये इंडियन सिविल सर्वेंट था जिसने कुरान पाक की ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में, अब्दुल्ला यूसुफ अली, 1934 में की थी। और फिर पर्शिया में भी पूछा जाता है, तो पर्शिया में शाह वलीउल्लाह ने किया था ट्रांसलेट, फारसी में शाह वलीउल्लाह ने किया था ट्रांसलेट कुरान पाक को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 60 है, फिल इन द ब्लैंक इज द हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल फॉर ग्राफिक कार्ड? इनमें से हाई स्पीड या फिर पॉइंट टू पॉइंट चैनल कौन सा है ग्राफिक कार्ड में?
जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है और असिस्ट करता है 3D जो कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। ये यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं जो 3D ग्राफिक्स पे काम करके अपना चैनल को प्रमोट भी करते हैं, और 3D ग्राफिक्स काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये किस में होता है? ये AGP में होता है। AGP मीन्स एक्सलरेटर ग्राफिक पोर्ट, पोर्ट होती है, पोर्ट बनी हुई, उसमें ये AGP लगाना पड़ता है। एक हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल है ग्राफिक कार्ड का, जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड में अटैच होता है, और ये एक्सलरेट करता है, मदद करता है 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स में। 61 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस? इनमें से पहली वुमेन कौन थी जो कि स्पेस में गई थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। वैलेंटीना टेरेस्कोवा वाज द फर्स्ट वुमेन हु केम इनटू द स्पेस। ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, ये 1963 में गई थी, रशिया से बिलोंग करती थी। डेट भी लिख लें, कंट्री भी लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1963 में रशिया से बिलोंग करती हैं वैलेंटीना टेरेस्कोवा। और ये तो वोमेन पूछा हुआ है ना, वोमेन कौन गई थी स्पेस में, इसी तरह मैन के बारे में पूछते हैं। पेपर्स में काफी दफा आया हुआ है कि कौन सा वो पहला मैन था जो कि स्पेस में गया था। वो यूरी गैगैरिन था, YURI, यूरी गैगैरिन। 1961 में गया था, इससे 2 साल पहले गया था, वो भी रशिया से बिलोंग करता था, यूरी गैगैरिन। हाउ मेनी टाइम्स डिड पाकिस्तान विन हॉकी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितने दफा जीता हुआ है? 4 दफा। अच्छा, ये चीजें लिख लें, 4 दफा पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, 3 दफा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है हॉकी में, और 3 दफा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है हॉकी में। अब जो वर्ल्ड कप की डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस साल जीता था, ये पेपर्स में आता है। तो पहली दफा लिखते जाएं, पहली दफा पाकिस्तान ने 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, 1971 में। सेकेंड टाइम 1978 में विन किया था। थर्ड टाइम 1982 में विन किया था, और फोर्थ टाइम 1994 में विन किया था। ये 4 दफा, 1971, 1978, 1982, 1994। और हॉकी की हिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने 4 दफा वर्ल्ड कप जीता हो। ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड हैं जिन्होंने 3-3 दफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो पाकिस्तान की टीम बहुत ही शानदार हुआ करती थी हॉकी में, इंटरनेशनल लेवल पे नाम था पाकिस्तान की टीम का, लेकिन फिर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से पूरी टीम तबाह हो गई है। तो अब तक भी इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका, 4 दफा हॉकी में चैंपियन वर्ल्ड कप में अभी कोई भी नहीं बन पाया। इसके अलावा ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने 3 दफा विन किए हुए हैं, वो डेट भी लिख लें। 1960 में पाकिस्तान पहली दफा गोल्ड मेडल विन किया था, सेकेंड टाइम 1968 में, और थर्ड टाइम 1984 में। तो ये 3 दफा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है हॉकी में। नेक्स्ट 63 है, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस? इनमें से पाकिस्तान वुमेन्स की ओडीआई और टेस्ट मैचेस में पहली कैप्टन कौन सी थी? जब टीम बनी थी तो पहले कैप्टन शायजा खान थी, बी ऑप्शन है, शायजा खान। अच्छा, आप करंट भी पूछ सकता है, मोस्टली करंट ही पूछता है, तो वो भी लिख लें, बिस्मा मारूफ, जो ए ऑप्शन है, बिस्मा मारूफ इज द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम।
MTCR stand for M से missile, T से technology, C से control, R से regime. Missile, technology, control, regime. ये जो एटम बम होते हैं या वैसे भी जो बम हैं उनको, उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए MTCR होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, ए ऑप्शन होता है. चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग. ये चार दिए हुए हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग किस चीज की है? हेलुसिनेशन बिल्कुल ठीक है, रेवरबरेशन बिल्कुल ठीक है, रेजुविनेशन भी बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपायर की स्पेलिंग गलत है, TRANSPIRE होता है ट्रांसपायर, लेकिन इन्होंने वाई लगा दिया है इस वजह से ये स्पेलिंग गलत है. सो सी इज द राइट ऑप्शन, सी इनकरेक्ट है स्पेलिंग. अ म्यूमी वाज डिस्कवर्ड नियर इरानियन कैपिटल वाज ऑफ. एक म्यूमी मिला था, डिस्कवर्ड हुआ था इरानियन कैपिटल के पास, तो वो क्या था? ये बॉडी थी ह्यूमन बीइंग की, और वो कौन था ह्यूमन बीइंग? रजा शाह पहलवी था. रजा शाह पहलवी की लाश मिली थी ईरानियन कैपिटल के पास, और ये ईरान का शाह था. मींस बादशाही सिस्टम होता है जिस तरह, उसी तरह इसे शाह बुलाते थे, पूरा ईरान इसके अंडर था, कंट्रोल था. तो ये आखिरी शाह था, लास्ट शाह ऑफ ईरान रजा शाह पहलवी था. इसकी बॉडी मिली थी, डिस्कवर्ड हुई थी ईरानियन कैपिटल के करीब. ए ऑप्शन, रजा शाह पहलवी. ईरान न्यूक्लियर डील्स इज आल्सो नॉन एज JCPOA. जे से ज्वाइंट, सी से कंप्रिहेंसिव, पी से प्लान, ओ से ऑफ, ए से एक्शन. ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. ईरान न्यूक्लियर डील को जैकपा भी कहते हैं, मींस ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं. 2015 में ये हुआ था ईरान न्यूक्लियर डील, क्योंकि ईरान भी, अब ये कहा जाता है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर काफी ज्यादा चीजें हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है इसके पास, लेकिन इसने इंटरनेशनल लेवल पे ऑफिशियली तौर पे कोई इस तरह का मींस एक्सपेरिमेंट नहीं किया. कहते हैं इसराइल के पास भी है, ईरान के पास भी है, लेकिन उन्होंने छुपाए हुए हैं. तो ये ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी जिसे जैकपा भी कहते हैं, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 2015 में हुआ था. द पर्पज ऑफ बुफर आएगा, सी ऑप्शन. द पर्पज ऑफ बुफर इज टू एक्ट एज होल्डिंग एरिया इनेबलिंग द सीपीयू टू मैनिपुलेट डाटा बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू आर डिवाइस. द पर्पज ऑफ बुफर, बुफर का मकसद ये है, इज टू एक्ट अ होल्डिंग एरिया, उस एरिया को होल्ड रखे, इनेबलिंग द सीपीयू, सीपीयू को इस काबिल बनाए टू मैनिपुलेट डाटा, डाटा को इधर उधर करे, बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू अ डिवाइस, डिवाइस में ट्रांसफरिंग करने से पहले. तो ये किसका काम होता है? बुफर का काम होता है. बुफर का काम होता है कि वो उस डाटा को अपने पास होल्ड करे, उसे सीपीयू में इधर उधर करे, मैनिपुलेट करे डिवाइस में ट्रांसफर करने से पहले. ये बुफर ये काम करता है. बुफर क्या होता है? लोकेशन होती है, ये मेमोरी के अंदर होता है जो कि टेम्परेरी स्टोरेज इसमें हो जाती है. तो ये डाटा अपने पास टेम्परेरी तौर पे स्टोर कर लेता है, बाद में ये ट्रांसफर करता है डिवाइस में, तो इसे बुफर कहते हैं. सी ऑप्शन आएगा. अरूसुल कुरान इज अनदर नेम ऑफ सूरह रहमान. सूरह रहमान का दूसरा नाम अरूसुल कुरान है, बी ऑप्शन बनेगा. जिस तरह उम्मुल किताब सूरह फातिहा को कहते हैं, काफी दफा एग्जाम में आ चुका है, उम्मुल किताब इज एन अदर नेम ऑफ सूरह फातिहा. और सूरह यासीन जो ए ऑप्शन है, इसे हार्ट ऑफ कुरान भी कहते हैं, कुरान का दिल. विच सिटी हैज लार्जेस्ट स्टेडियम इन पाकिस्तान. इनमें से कौन सी सिटी के पास सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है पाकिस्तान में? लाहौर में है. ये तो हमारे डिपार्टमेंट के अंडर ही है, कजाफी स्टेडियम जो क्रिकेट का है, लाहौर में उसके नजदीक ही है ये
हॉकी स्टेडियम, ये बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, सीटें हैं इतनी ज़्यादा कि कैपेसिटी पूरी दुनिया में इतनी कहीं भी नहीं है। तो ये वोमेन मतलब लोगों के बैठने की कैपेसिटी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है, लाहौर में है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, लाखों की तादाद में। तो ये लाहौर में है, कजाफी स्टेडियम के करीब ही है, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। जी पूछें। ये क्रिकेट का है या हॉकी का? ये तो हॉकी का है, कजाफी स्टेडियम भी साथ ही है ना इसके साथ, क्रिकेट का भी वही है, फिर आगे थोड़ा सा जाए फिर हॉकी का है, ये वही है लाहौर में। 71 है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एक मुख्तसर हिस्ट्री वक्त की, किसने लिखी थी? स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। स्टीफन हॉकिंग यूके से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ये फेमस बुक लिखी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 72 है, हाउ मैनी ओलंपिक रिकॉर्ड्स डज यूसेन बोल्ट हैव, कितने रिकॉर्ड हैं यूसेन बोल्ट के पास, कितने टाइटल वो जीता हुआ है? 3 टाइटल जीता हुआ है। यूसेन बोल्ट बेसिकली क्या चीज है? यूसेन बोल्ट बेसिकली स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर उसको कहते हैं, ये जो 100 मीटर रेस होती है, 200 मीटर रेस होती है, भाग कर जो है ये क्रॉस करना होता है। तो सबसे ज्यादा विन किए हुए हैं इसने, यूसेन बोल्ट ने, जमैका से बिलोंग करता है। तो ये कंट्री लिख लें, क्योंकि ये भी काफी दफा पूछा हुआ है, यूसेन बोल्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? जमैका से, अफ्रीकन कंट्री है, काफी ज्यादा इसकी हाइट है, इसने 3 टाइटल जीते हुए हैं, ये बेसिकली ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड यही बनाता है, मतलब दौड़ने की होती है, भागने की, इसे स्प्रिंटर भी कहते हैं। 2008 में पहली दफा जीता था, तो फिर 2012 में, फिर 2016 में। हु इज कॉल्ड उमरे सानी, उमरे सानी किसको कहते हैं? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को उमरे सानी भी कहा जाता है, उमियाद डायनेस्टी से ताल्लुक रखते थे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज मरकरी, अब इसकी डिटेल तो मैंने आप सबको बताई थी कि सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है, और सूरज के करीब भी मरकरी है। इसके अलावा जो वीनस है वो हॉटेस्ट भी है, ब्राइटेस्ट भी है, मॉर्निंग स्टार भी है, इवनिंग स्टार भी है, ये 4 चीज़ें हैं। फिर नेपच्यून बताया था, सबसे एंड में है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, और रिवॉल्विंग स्पीड सबसे कम उसी की है, सबसे ज़्यादा रिवॉल्विंग स्पीड मरकरी की है, क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल करीब है। जो ज़मीन के करीब है वो वीनस है, और सूरज के करीब मरकरी है। तो ये बार बार रिवीजन होती जाएगी, इंशाल्लाह ये क्लियर होते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिटिकल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इनमें से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कौन सा पोलिटिकल डिस्प्यूट हुआ था? सर क्रीक बी ऑप्शन है। सर क्रीक बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर लाइन है, जो कि जस्ट 96 किलोमीटर की है, पाकिस्तान से सिंध है, इंडिया से गुजरात है। ये एक पोलिटिकल डिस्प्यूट है, इन पाकिस्तान ने तो कहा था इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं, आर्बिट्रेशन के थ्रू कोई ना कोई इसका हल ढूंढते हैं, लेकिन इंडिया नहीं मानता इसको, तो सर क्रीक है बी ऑप्शन। मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध ड्यूरिंग द रेन ऑफ उम्मियाद डायनेस्टी, मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था या उसकी खिलाफत रही है किस दौर में? उमियाद डायनेस्टी में, उमियाद डायनेस्टी। अच्छा, उमियाद डायनेस्टी जो थी वो छह सौ इकसठ से लेकर 750 तक रही है, उमवी खानदान, जिसमें हजरत अमीर मुआविया पहले थे और आखिरी मरवान सेकंड थे, ये उमियाद के खलीफा आते जाते रहे हैं। उनमें मोहम्मद बिन कासिम, जिसे 712 में यहाँ पे पाकिस्तान में भेजा गया था, सिंध पे अटैक किया उसने, फिर मुल्तान पे किया, यहाँ पे हिंदू महाराजा था राजा ताहिर सिंह,
राजा दाहिर था, उसने यहाँ समंदर के किनारे गुजरते हुए कुछ मुसाफिर थे उनको लूट लिया करता था, बार बार तंग किया करता था। इसने लुटेरे पाले हुए थे, डाकू थे इसके पास। तो एक दफा इसने जहाज लूटा, फिर वो जो लोग बंदी बनाए गए थे उनमें से किसी ने खत लिखे हजाज बिन यूसुफ को, जो कि गवर्नर था ईरान का। ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, ईरान का गवर्नर था। उसके पास बार बार खत जाते रहे कि हम पे बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा है ये राजा ताहिर, ये हिंदू है तो हमें इसे आजाद कराया जाए। फिर हजाज बिन यूसुफ ने 712 में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था कि इस पे अटैक करें और उनको आजाद कराएं। राजा दाहिर ने फिर इसके खिलाफ जंग लड़ी थी मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। राजा दाहिर को शिकस्त हुई, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था और यहाँ पे कुछ अरसा रहा, फिर चला गया था ये। तो ये उमिया डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था। ए इज द राइट ऑप्शन। अब पाक स्टडी में हम इसकी टोटल हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल से। मिस्टर एकहार्ट वाज जर्मन थियोलॉजियन। मिस्टर एकहार्ट कौन था? एक जर्मन थियोलॉजियन था। थियोलॉजियन वो होता है जो हिस्ट्री इकट्ठी करता है, रिलेटेड टू गॉड होता है, गॉड के मुतालिक डाटा कलेक्ट करना थियोलॉजियन कहलाता है। तो ये जर्मन थियोलॉजियन था मिस्टर एकहार्ट। द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज, इनमें से सबसे एफिशिएंट इंजन कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक है, बी ऑप्शन होता है। विच प्रॉफिट्स नेशन कमिटेड एम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट, इनमें से किस पैगंबर की कौम कौम अस्सलाम पे? वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। सर आपकी आवाज तो नहीं आ रही। आवाज बाकियों को भी नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, हमें हमें आ तो रही ठीक आ है, रही है सर, हमें आपका आ रही है सर। सिग्नल का इशू होगा आपका, नहीं तो आवाज ठीक है बिल्कुल जी। नेक्स्ट। अच्छा ये ना फिर अनम्यूट करके देखें, म्यूट अनम्यूट ये बटन देखें जो वीडियो के साथ होता है। बाज़ औक़ात आप इस पे कनेक्ट नहीं करते, इस वजह से आवाज़ नहीं आ पाती। जब दोबारा से आपने कनेक्ट किया होगा ये इस पे पुश करके देखें, शायद ठीक हो जाए जी। क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे 80। विच प्रॉफिट्स नेशन कमिटेड एम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट, कौन से पैगंबर थे जिनकी कौम पर ये अजाब आया था कि वो खयानत किया करते थे, बददियानती किया करते थे, धोखा दिया करते थे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, फिर उन पे अजाब आया था, सी ऑप्शन आता है। अच्छा एक और भी आता है डी ऑप्शन जो है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इनकी कौम पे तूफानों का अजाब आया था, स्टॉर्म स्टॉर्म ऑफ स्टोन्स, पत्थर गिराए गए थे इनकी कौम पे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे। माजी में जितने भी पैगंबर आते थे फिर जब वो उनकी कौम कोई गुनाह करती थी, बहुत ज्यादा उनके गुनाह सरजद हो जाते थे, तो अल्लाह की तरफ से फिर अजाब आया करते थे और वो पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाती थी। लेकिन फिर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी कि मेरी जो कौम है चाहे ये कुछ भी करे इस पे आप अजाब मत भेजिएगा, तो अब इस कौम पे नहीं आ रहे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया था जो कि बददियानती धोखा खयानत किया करते थे, हालांकि अब के दौर में तो बहुत ज्यादा होता है। और जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे इनकी कौम पे स्टोन्स का अजाब आया था, पत्थर गिराए गए थे, ये बार बार आता है क्वेश्चन। सर जी, मच्छरों ब्रह्मा का आप भी नहीं कौन था सर? हाँ इब्राहिम वाला हाँ था हजरत बिल्कुल भैया। बिल्कुल ऐसे। ब्रह्मा समाज वाज फाउंड इन 1828। ब्रह्मा सर अब समाज, मुझे कैसे पता चलेगा उसका मोहम्मद बिन कासिम ने फिर क्या किया था? क्वेश्चन की समझ नहीं आई, दोबारा से पूछें। सर जो आपने बताया, फिर शायद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। मोहम्मद बिन कासिम गए थे फिर। अच्छा मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड है, ठीक है आप अनम्यूट कर लें थोड़ा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे सिंध पे अटैक किया था, उस वक्त राजा दाहिर यहाँ पे रूल कर रहा था जो कि हिंदू था। ये सिंध के करीब जो समंदर है यहाँ पे
इसने लुटेरे बिठाए हुए थे और जो भी यहाँ से जहाज गुजरता था उसको लूट लिया करते थे। तो एक दफा इन्होंने जहाज लूटा, फिर जो लोग थे उनको बंदी बनाया गया, उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। उनमें से कुछ लोगों ने फिर खत लिखे हजाज बिन यूसुफ को। हजाज बिन यूसुफ उस वक्त पर्शिया का गवर्नर था। और फिर उसने जब पढ़े तो इसने राजा दाहिर को कहा कि इन्हें छोड़ दें। काफी दफा उसने लेटर लिखे लेकिन ये राजा दाहिर था ये मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसने अपने सन इन लॉ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा 712 में कि आप इस पे अटैक करें और इसे मारें। फिर मोहम्मद बिन कासिम आए थे जो कि जस्ट 17 ईयर्स की एज में थे, 17 साल, बहुत ही यंग थे। और आए, इन्होंने अटैक किया, राजा दाहिर को शिकस्त दी और उन लोगों को आजाद करा लिया यहाँ से 712 ईस्वी में। और वो उमियाद डायनेस्टी से ताल्लुक रखते थे मोहम्मद बिन कासिम। जी 80 पढ़ रहे थे हम, ब्रह्मा समाज वाज फाउंड इन 1828। ब्रह्मा समाज कब फाउंड किया गया था? 1828 में। ये क्या था? ये कास्ट रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ था। मींस ये कहते हैं ये जो कास्ट सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। कोई शूदर है, कोई मुश्तरी है, कोई इस तरह। जो इंडिया में है वो 4 कौमें हैं, इसी तरह सिखों में है, मुसलमानों में अपर लोअर के लोग हैं। ये जो ब्रह्मा समाज था ये कहता है इस कास्ट सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किस लिए था? ये कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए था कि ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है जात वगैरह की ये नहीं होनी चाहिए। 1828 में आया था। इसका जो फाउंडर था वो राम मोहन राय था। राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा समाज। इट वॉज फाउंडेड इन 1828, 1828 में। अच्छा ये तो आपको आता होगा, कल मैंने कंप्यूटर में ये आपको पढ़ाया था। 1 निबल कितने बिट का होता है? 4 बिट का होता है, क्योंकि कल जो कंप्यूटर था बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो भी वो कराऊंगा वो सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। 1 निबल कंटेन्स 4 बिट्स। 1 निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और 1 वर्ड में कितने बिट होते हैं? 16 बिट होते हैं। ये साथ के साथ ना तैयार करते जाएं, जो पेपर है होता है जो पढ़ाता हूँ या फिर जो कंप्यूटर का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ये डेली बेसिस पर बार बार रिवाइज करें। 2 दफ़ा तो लाजमी कर लिया करें ताकि जो एग्ज़ाम होता है मंडे वाले दिन पेपर होता है वो ठीक तरह से हो। 82 है, व्हाट विल हैपन इफ ओजोन लेयर डिसअपीयर्स। क्या हो जाएगा अगर ओजोन लेयर डिसअपेयर हो जाए, गायब हो जाए या ना हो?